नमस्कार। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी गठबंधन की उद्धव सरकार में हाशिए पर चल रही कांग्रेस ने बीएमसी चुनाव से ठीक पहले एनसीपी प्रमुख शरद पवार और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को सबक सिखाने का ऐलान कर दिया है। दरअसल कांग्रेस ने महाविकास आघाड़ी गठबंधन के अलावा तीसरे विकल्प के रूप में बीएमसी चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की तलाश करनी शुरू कर दी है। अब कांग्रेस ने बीएमसी चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों को चिन्हित करना शुरू किया तो महाविकास आघाड़ी गठबंधन में हड़कंप मच गया। जब से महाविकास आघाड़ी गठबंधन का निर्माण हुआ है तभी से तीनों पार्टियों के नेताओं में आपसी अनबन काफी ज्यादा रही, लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए अब तक ये घूंट भी पिया। कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल और मलाईदार मंत्रालयों को लेकर के कांग्रेस और एनसीपी में काफी ज्यादा अनबन भी रही, लेकिन अब कांग्रेस आला कमान ने तीसरे मोर्चे के रूप में बीएमसी चुनाव लड़ने का ऐलान किया तो महाविकास आघाड़ी गठबंधन की तीनों पार्टियों में खलबली मची हुई है। वैसे तो महाराष्ट्र के राजनीतिक ज्ञाताओं ने महाविकास आघाड़ी गठबंधन को चाइनीज माल की तरह बता दिया है, चले तो चांद तक ना चले तो रात तक। अब बीएमसी चुनाव को लेकर के जो महाविकास आघाड़ी गठबंधन की तीनों पार्टियों में घमासान मचा हुआ है उससे एक बार फिर से राजनीति के ज्ञाताओं ने महाविकास आघाड़ी गठबंधन टूटने की भविष्यवाणी कर दी है। उद्धव ठाकरे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कांग्रेस को अलग थलग करने के लिए समाजवादी पार्टी के साथ हाथ मिलाने की बात सामने आई है और कहीं ना कहीं अब महाराष्ट्र में जिताऊ उम्मीदवारों की तलाश कांग्रेस ने शुरू कर दिया है। संजय निरुपम तो पहले से ही कह रहे थे कि शिवसेना कांग्रेस को कभी भी छोड़ सकती है और इस पर अब अंतिम मोहर लगती हुई दिखाई पड़ रही है। जब से महाविकास आघाड़ी गठबंधन का निर्माण हुआ है तभी से संजय निरुपम हुए, मिलन देवड़ा हुए, ये कांग्रेस के वो नेता हैं जो शिवसेना पर हमेशा से ही सवाल उठाते रहे और कभी भी इनकी शिवसेना के नेताओं के साथ बनी नहीं। और अब कहीं ना कहीं संजय निरुपम और मिलन देवड़ा की तरफ से जो कहा जा रहा था, जो दावे किए जा रहे थे, उन पर अंतिम मोहर लगती हुई साफ दिखाई पड़ रही है। जिस तरह से शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस को अलग थलग करने के लिए समाजवादी पार्टी से हाथ मिलाया है उससे यह साफ हो चुका है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं जो तीसरे मोर्चे के रूप में महाविकास आघाड़ी गठबंधन के खिलाफ खड़ी होगी तो कन्फर्म है महाविकास आघाड़ी गठबंधन सरकार पर भी इसका पूरा प्रभाव पड़ेगा। बीएमसी चुनाव के दौरान महाविकास आघाड़ी गठबंधन में कहीं ना कहीं जो दरार पड़ना है वो तय हो चुका है। देवेंद्र फडणवीस के सरकार बनाने वाले दावे की सच्चाई भी अब धीरे धीरे सामने आना शुरू हो चुकी है। आप सभी को ज्ञात ही होगा कि देवेंद्र फडणवीस ने अगले 1-1.5 महीने में महाराष्ट्र की जनता को एक अल्टरनेटिव सरकार सौंपने का ऐलान किया था और उस दावे में कहीं ना कहीं अब सच्चाई साफ दिखाई पड़ रही है, क्योंकि बीएमसी चुनाव को लेकर के एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना तीनों पार्टियों में घमासान होना तय है। तो शरद पवार और उद्धव ठाकरे की तरफ से समाजवादी पार्टी के साथ जो हाथ मिलाने की बात सामने आई है उससे कांग्रेस आला कमान नाराज हो चुकी है और कांग्रेस पार्टी जिस भी गठबंधन में रहती है उस गठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ता है और इस वजह से भी एनसीपी प्रमुख शरद पवार और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे कांग्रेस को अलग करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं जो उद्धव ठाकरे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार को यह लग रहा है कि बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए कांग्रेस महाविकास आघाड़ी गठबंधन को नहीं तोड़ सकती, लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में जिस तरह से मुस्लिम समाज के लोग शिवसेना से दूरी बनाने का दबाव सोनिया गांधी पर बना रहे हैं, कांग्रेस के नेता मलाईदार मंत्रालय और मंत्रिमंडल को लेकर के भी पहले से ही शिवसेना और एनसीपी प्रमुख शरद पवार के खिलाफ खड़े हुए हैं, इन सब मुद्दों की यदि सुनवाई होती है कांग्रेस आला कमान के सामने तो आप मानकर चलिए महाविकास आघाड़ी गठबंधन से कांग्रेस अलग होगी और बीएमसी चुनाव के दौरान बड़ा घमासान इन तीनों पार्टियों में होना तय हो चुका है। इसके अलावा एच के पाटिल की तरफ से जो फीडबैक रिपोर्ट तैयार की गई है उसमें शिवसेना को मात देने के लिए बीजेपी राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के साथ हाथ मिला सकती है, इस तरह का फीडबैक भी सामने आया है। कहा जा सकता है कि एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने जिस तरह से हिंदुत्वा के सिद्धांतों को अपनाया, अपने झंडे को भी भंगवा कर लिया था, आप सभी को ज्ञात ही होगा, उसके बाद बीजेपी और एमएनएस के बीच में नजदीकियां बढ़ी थी और इन नजदीकियों को अब बीएमसी चुनाव में साफ देखा जा सकता है। मराठा मानुष के जो वोट बैंक है उनको कहीं ना कहीं बिखेरने के लिए ये पूरा का पूरा ध्रुवीकरण है वो किया जा रहा है। आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी के सिद्धांतों को तो अब उद्धव ठाकरे छोड़ चुके हैं, ऐसे में अब राज ठाकरे कहीं ना कहीं बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों पर अपनी पार्टी को लेकर के आगे लेकर के जाने की कोशिश कर
कर रहे हैं, जिसमें बीजेपी कहीं न कहीं उनका सहयोग कर रही है। उद्धव ठाकरे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार के खिलाफ महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता और विधायकों ने पहले से ही आवाज उठाई थी और अब यह आवाज बुलंद होती हुई साफ दिखाई पड़ रही है। कांग्रेस आलाकमान को भी अब समझ में आ गया है कि उसे अलग थलग करने के लिए एनसीपी प्रमुख शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने मिलकर के कोई ना कोई रणनीति तैयार की है और यही कारण रहा है कि समाजवादी पार्टी से जो एनसीपी और शिवसेना ने हाथ मिलाया है। उद्धव सरकार के बड़े बड़े जमीन घोटालों का खुलासा होने के बाद शिवसेना के विधायकों ने भी कहीं ना कहीं आरएसएस से संपर्क साधना शुरू कर दिया है। इस तरह की खबरें भी महाराष्ट्र की राजनीति से आना शुरू हो चुकी है। वैसे भी जब एनसीपी और कांग्रेस के साथ शिवसेना ने हाथ मिलाया था तब शिवसेना के विधायक जहां उनको एक होटल में बंद करके रखा गया था वहां पर इतनी जबरदस्त लड़ाई उनके बीच में हुई थी कि एक दूसरे विधायकों ने अपने कपड़े तक फाड़ लिए थे, यानी कि एक दूसरे विधायक पर मारपीट करने के आरोप भी उस दौरान लगे थे। तो आप अनुमान लगा लीजिए कि उसी शिवसेना के विधायक किस तरह से एक साल बिताए होंगे, किस तरह से उद्धव ठाकरे की आवाज के तले कहीं ना कहीं वो दबे हुए हैं और अब उन्होंने उद्धव ठाकरे की सरकार के जो घोटाले होने शुरू हुए हैं, इसके अलावा उद्धव ठाकरे का जो विरोध महाराष्ट्र की जनता में बढ़ गया है उससे उनको अब उनके राजनीतिक करियर को लेकर के डर लगने लगा है और यही कारण रहा कि उन्होंने दबी आवाज में आरएसएस के साथ संपर्क साधना शुरू कर दिया और अब सीएम उद्धव ठाकरे की तानाशाही और मुस्लिमकरण की राजनीति से तंग आकर के शिवसेना के विधायक अपने राजनीतिक भविष्य को सुधारने के लिए कोई बड़ा झटका भी महाविकास आघाड़ी गठबंधन और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को दे सकते हैं। इस तरह की खबरें महाराष्ट्र की राजनीति से आना शुरू हो चुकी है। कुल मिलाकर के बीएमसी चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस की तरफ से तीसरे विकल्प का ऐलान करना ये साफ दिखाई दे रहा है कि जो देवेंद्र फडणवीस की तरफ से दो चार दिन पहले पिछले बुधवार को जो ऐलान किया गया था कि अगले एक डेढ़ महीने के भीतर महाराष्ट्र की जनता को एक अल्टरनेटिव सरकार देवेंद्र फडणवीस सौंपेंगे, यानी कि कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी गठबंधन टूटेगा और उसके बाद दोबारा विधानसभा का चुनाव होगा तो एनसीपी कांग्रेस शिवसेना का पत्ता साफ होगा और सनातन धर्म को मतदान करने वाले लोग कहीं ना कहीं बीजेपी से जुड़ेंगे और यही कारण रहा कि देवेंद्र फडणवीस की तरफ से इस तरह का ऐलान किया गया। फिलहाल उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी को लेकर के क्या कांग्रेस को संकट के बादल मंडरा सकती है, क्या बीएमसी चुनाव में कांग्रेस तीसरे विकल्प के रूप में जो अपने उम्मीदवारों की तलाश करना शुरू कर चुकी है उसको जारी रखेगी या फिर एनसीपी प्रमुख शरद पवार और उद्धव ठाकरे की तरफ से कोई समझाइश कांग्रेस आलाकमान के साथ होगी, इस पर आप अपने विचार हमें कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा लें। अभी के लिए इतना, मिलते हैं अपडेट साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।